वेलकम बैक दोस्तों, कॉमिक्स ऑन ट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ब्लैक पैंथर एंड द एजेंट्स ऑफ वकांडा का पार्ट 3। इसके दोनों पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है नरेशन के साथ, जो बता रही है कि कुछ महीने पहले अर्थ एक कॉस्मिक वॉर में बैटल ग्राउंड चुनी गई थी। लेकिन हम शुक्रगुजार करते हैं उन एवेंजर्स का जिन्होंने हार नहीं मानी और अर्थ को अपने पास वापस जीत लिया। फिर हम देखते हैं ऑड ज़ियोन्स द गार्डनर। हाँ, ये वही आदमी है जो हमें स्टोरी सुना रहा होता है और अब यही कह रहा है कि अर्थ तो वापस जीत ली गई है लेकिन मून अभी भी किसी कोने में पड़ा हुआ है। फिर द गार्डनर एक बीज लेता है और मून के सरफेस के अंदर डाल देता है और कहता है थ्राइव माई स्वीट थ्राइव। फिर हम देखते हैं कि गोरिल्ला मैन और ग्रू कुछ एबनॉर्मल एनर्जी डिटेक्शन टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर गोरिल्ला मैन और ब्रू कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर गोरिल्ला मैन ब्रू को जल्दी से टेस्ट शुरू करने के लिए कहता है और जब टेस्ट शुरू होता है तब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। लेकिन ब्रू अपने टैबलेट की स्क्रीन में देखता है और कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और गोरिल्ला मैन उससे पूछता है कि क्या ठीक नहीं लग रहा, तो ब्रू कहता है चलो देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जॉन बॉबी मॉर्स यानी कि मॉकिंग बर्ड का एजेंट्स ऑफ वकांडा में स्वागत कर रहा होता है। मॉकिंग बर्ड जॉन से पूछती है कि सच सच बताओ कि क्या टिचाला सच में समझता है कि वो एवेंजर्स और एजेंट्स ऑफ वकांडा के बीच में अर्थ को सेफ रख सकता है। फिर जॉन कहते हैं कि टिचाला हमें रोज़ नई नई सुपर पावर्स के खिलाफ टेस्ट करता रहता है और मुझे नहीं पता कि हम उसे जीत सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार होता है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो कहती है जॉन और मॉकिंग बर्ड तुरंत ब्लैक पैंथर के पास रिपोर्ट करें। अनाउंसमेंट के बाद ब्लैक पैंथर अपने सभी एजेंट्स को बताते हैं कि ब्रू और गोरिल्ला मैन ने मून पर कुछ अजीबोगरीब देखा है और हमें अभी वहाँ जाना होगा उसे इन्वेस्टिगेट करने। और वो ये भी बताते हैं कि ब्रू ने लास्ट टाइम का मैसेज ये दिया है कि मून को भूख लगी हुई है। बॉबी मॉर्स स्पेस में पहली बार सफ़र कर रही होती हैं और वो थोड़ा घबरा रही होती हैं बाकी एजेंट्स के। फिर ब्लैक पैंथर और बाकी एजेंट्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रू ने मून से उन्हें आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन ब्रू और गोरिल्ला मैन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मॉकिंग बर्ड उनके फुटप्रिंट्स ढूंढती है लेकिन वहां पर कोई फुटप्रिंट्स नहीं होते, यहां तक कि वो कहती है कि यहां पर तो हमारे भी फुटप्रिंट्स नहीं आ रहे। और फिर वो कहती है कि ये ज़मीन मिट्टी की नहीं बल्कि ऑर्गेनिक स्पॉन्जी मटेरियल की तरह लग रही है। और तभी अचानक से ज़मीन में से एक बड़ा सा पौधा निकल आता है जो उन पर हमला कर देता है। फिर वो सब एजेंट्स उस पौधे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर एजेंट मॉर्स कहती है कि क्या एजेंट्स ऑफ वकांडा ऑपरेशंस हैंडबुक में इसको ख़त्म करने के लिए कोई तरीका है। फिर ओकियो कहती है कि नहीं, क्योंकि नई मुसीबतें नए हल चाहती हैं। और फिर जॉन कहते हैं कि क्या तुम दोनों बातें करना बंद करोगी। फिर ब्लैक पैंथर कहते हैं कि मॉकिंग बर्ड ने सही कहा था कि ये जीव शाकाहारी है। और फिर ब्लैक पैंथर उसकी टहनियों को काट कर उसके अंदर जाते हैं। फिर सीन आता है ब्रू का जो एक पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं और सभी उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोरिल्ला मैन एक भालू से वोडका पीने का कंपटीशन जीत चुका होता है और जश्न मना रहा होता है, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि ये एक सपना है और ये उसी पौधे की सतह के नीचे एक ड्रम में कैद हैं। फिर ब्लैक पैंथर उन्हें ढूंढ लेता है और एजेंट मॉर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। तभी ब्लैक पैंथर पर वो पौधा वार कर देता। तभी ब्लैक पैंथर एक जगह पर आके गिरते हैं जहां उनकी खोई हुई स्पेसशिप मिलती है, जिस पर गोरिल्ला मैन और ब्रू चांद पर आए होते हैं। और तभी ब्लैक पैंथर उसके अंदर जाकर देखते हैं कि वो पौधा इस स्पेसशिप के अंदर पूरा फैला पड़ा है और वो उसकी ये सारी एनर्जी अपने आप में सोख रहा है। फिर ब्लैक पैंथर उसकी सभी शाखाओं को काटना शुरू कर देते हैं और स्पेसशिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का कमांड दे देते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है और ब्लैक पैंथर फिर से मून की सतह पर आकर गिरते हैं। और फिर सीन आता है मून का जिसके ऊपर कुछ चेहरा टाइप बना है और ये उसी पौधे की वजह से है। आखिर में हम देखते हैं कि मॉकिंग बर्ड अकेली पड़ जाती हैं और वो एक गुफा में जाकर बाकी के एजेंट्स को ढूंढ रही होती हैं। और फिर वो जो देखती हैं उससे हैरान रह जाती हैं। वो ये देखती हैं कि ओकियो और जॉन उन्हीं ड्रम्स में बंद हैं जिसमें ब्रू और गोरिल्ला मैन थे। होप यू गाइज लाइक द वीडियो और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।